तो क्या हाल है गाइस आप सभी लोगों के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। बेकार है भैया। तो गाइस जो है आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि आपके पास कुछ ऐसा डिवाइस हो, कुछ ऐसी वॉच हो जिससे आप किसी का भी वाईफाई हैक कर सको, किसी का भी वाईफाई बंद कर सको, उसका पासवर्ड पता लगा सको। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसा ही वॉच बनाने वाले हैं जिससे हम किसी का भी वाईफाई का पासवर्ड पता लगा सकेंगे, किसी का भी वाईफाई बंद कर सकेंगे एंड उसके वाईफाई के फेक क्लोन भी बना सकेंगे। तो बहुत ही ज्यादा मस्त और खतरनाक चीज आज हम बनाने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा भी आने वाला है आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ गाइस कि आप जो है इस प्रोजेक्ट को घर पे बनाओ, इसका यूज लो, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही कहना चाहूंगा प्लीज इसको मत बनाना। किस लिए, कैसे? और अगर आप बनाते हो तो प्लीज इसका बिल्कुल भी मिस यूज मत करना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच करना, मतलब वीडियो को स्किप मत करना, इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले गाइस हमें चाहिए यहाँ पे एक नोड एमसीयू ESP8266 और गाइस इसको आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पे एक 0.96 वाली OLED, ठीक है, और ये भी आपको इजीली जो है ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। तो इन चीजों को आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। इन दोनों के कनेक्शन सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद आगे का काम जो है स्विच वगैरह वो हम आगे देखेंगे। और मैं आपको इनका जो है सर्किट डायग्राम दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप जो है सर्किट देख के इजीली कनेक्शन कर पाओगे। बट यहाँ पे भी जो है मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ज्यादा इजी से कनेक्शंस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चार पिंस मिल जाएंगे। तो पहले हमें यहाँ पे वायर लगा लेनी है, तो चलो फटाफट से पहले मैं वायर लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शन ऐसे भी बता देता हूँ और बाद में आपको सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा। तो फाइनली यहाँ पे मैंने जो है OLED के ऊपर जो है यहाँ पे वायर सोल्डर कर दिए हैं और अभी मैं आपको इनके कनेक्शन बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे गैस जो आपको चार पिंस मिलेंगे, पहली आपको VCC, सेकेंड आपको ग्राउंड, थर्ड आपको मिलेगी गैस जो है यहाँ पे SCL और फोर्थ आपको मिलेगी SDA, ठीक है। तो इन चारों पिनों को आपको कहाँ कहाँ पे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। VCC को लगानी आपको 3 वोल्ट पे, ग्राउंड को आपको मतलब GND, वो आपको इस बोर्ड के ऊपर GND ढूंढ के कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और VCC आपको 3 वोल्ट पे लगा देनी है। और उसके बाद आपको मिलेगा SCL, जिस पिन को आपको लगा देना गाइस है यहाँ पे हमारे नोड MCU के ऊपर जो है D2 के ऊपर, और उसके बाद वाली जो पिन है वो है गाइस जो है SDA, जिसको आपको जो है D1 के ऊपर इस जो है नोड MCU के ऊपर लगा देना है, ठीक है। इस साइड के ऊपर आपको वो सारी पिन मिल जाएंगी, यहाँ पे D0, D1, D2, तो सारी पिन इस साइड में, ग्राउंड भी आपको इधर ही मिल जाएगा, 3 वोल्ट भी आपको इधर ही मिल जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पे फटाफट से कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने OLED के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मैंने नोड MCU के साथ कर दिए, यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काफी छोटे छोटे वायर लगा के कर दिए ताकि गाइस हम इसकी वॉच बना सके ना, ठीक है, समझ गया। तो अभी गाइस हमें यहाँ पे 3 माइक्रो स्विच चाहिए जिससे गाइस हम जो है ऑप्शंस को ऊपर नीचे या फिर गाइस जो है सिलेक्ट कर सकेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 स्विच का यूज करने वाला हूं जिनको माइक्रो स्विच बोलते हैं, एंड एक अलग कलर का लिए ताकि हम पहचान सके सिलेक्ट वाला कौन सा बटन है, ठीक है। और अभी कैसे हम इनके कनेक्शन करेंगे हमारे जो है यहाँ पे नोड MCU के साथ, तो पहले हम इनके कनेक्शन कर लेते हैं, वायर लगा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इनके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो, हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो अभी कैसे इनके कनेक्शन स्टार्ट कर दें। तो पहले स्विच का जो यहाँ पे ये वाला जो पिन है ना, तो इनको हमें जो है कट करके जो है हटा देना है। जो बीच वाला स्विच है इसका गाइस हमें जो है ये वाला जो है पिन, जैसे हमने ऊपर वाले का करा वैसे नीचे वाले का भी कर देना है। और इस जो है तीसरे स्विच का ऊपर वाला मतलब फर्स्ट पिन हमें जो है तोड़ देना है। तो कुछ इस तरीके से देखो गाइस आपको करना है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कट करनी है पिंस को, तो कुछ इस तरीके से गाइस आपको कर लेना है। तो अभी हम इनके कनेक्शन इजिली कर सकते हैं, तो चलो फटाफट से गाइस कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो तीनों स्विचेस की जो मैंने यहाँ पे ये वाली पिंस जोड़ी है ना, इनको हमें सोल्डर कर लेना ताकि इधर उधर हिले ना। तो सोल्डर फटाफट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गाइस अच्छे तरीके से। इतना सा काम था वो मैंने कर लिया और आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। और अभी हम इनके साथ जो है वायर लगाएंगे, तो 4 वायर यहाँ पे यूज करने वालों अलग अलग कलर का ताकि हमें पता चल जाए कौन सा कहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो 4 वायर ले रहा हूँ, तो पहले एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले वाले स्विच के
पहले पिन के साथ। ठीक है, फाइनली यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से वायर लगा दिए, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से लगा देने हैं। और अभी हम इनको जो है नोड एमसीयू के साथ कनेक्ट कर देंगे, इन तीनों स्विचेस के वायर को, और फिर गाइस जो है देखते हैं आगे क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पे सर्किट डायग्राम दे दूंगा, तो वहां पे देख के आप स्विचेस के कनेक्शन नोड एमसीयू के साथ कर सकते हो। चलो फटाफट से मैं भी कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि था गाइस हमारी जो है ओएलईडी के कनेक्शन नोड एमसीयू के साथ और हमारे स्विचेस के कनेक्शन नोड एमसीयू के साथ। तो फाइनली ये गाइस हमारा काफी ज्यादा डिटेलिंग के अंदर काम हो चुका है, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने जो है कनेक्शन जो है यहाँ पे कर दिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो है बारीक बारीक काम था, तो फिर ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए यार लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले प्रोजेक्ट वगैरह देखने के लिए। अभी कैसे हमें चाहिए यहाँ पे एक छोटी सी 3.7 वोल्ट की बैटरी, जो कि 450 एमएएच की है, और इसको चार्ज करने के लिए हमें जो है यहाँ पे एक 3.7 वोल्ट चार्जिंग मॉड्यूल भी चाहिए, जो कि सी टाइप है। आप दूसरा कोई भी जो है पोर्ट वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पे एक एसपीएसटी स्विच भी ऐड करना है, जिससे कैसे हम इस वॉच को ऑन ऑफ कर सकेंगे। तो चलो फटाफट से कैसे इनके जो कनेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे इस जो है चार्जिंग मॉड्यूल के बी प्लस और बी माइनस के ऊपर सोल्डर करेंगे। तो चलो फिर फटाफट से पहले ये करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। फिर गाइस हमें यहाँ पे स्विच के जो दो वायर है उनमें से किसी भी एक वायर को जो है हमें जो है आउटपुट के जो है प्लस के ऊपर लगा देना, आउटपुट के प्लस के ऊपर, और एक वायर हमें गाइस उसके बाद यहाँ पे और चाहिए, उसको हमें जो है आउटपुट के माइनस के ऊपर लगा देना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास दो वायर आ चुके हैं, एक आउटपुट का प्लस और एक आउटपुट का नेगेटिव, ठीक है, मतलब माइनस। तो इन दोनों को हमें जो है हमारे नोड एमसीयू के अंदर वी इनपुट और गाइस जो है ग्राउंड के अंदर लगा देना है। तो चलो फटाफट से यहाँ पे मैं इनके कनेक्शन भी इजीली से जो है यहाँ पे फटाफट से कर देता हूँ। तो इस नोड एमसीयू के यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो पिन है इस साइड में से जो है वो वी इनपुट है और सेकंड वाला पिन ग्राउंड है, ठीक है। तो चलो फटाफट से मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ वायर्स को। तो फाइनली गाइस सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी कैसे मैं एक दूसरे के साथ इन सभी चीजों को अच्छे से जोड़ देंगे, ताकि कैसे मतलब वायर इधर उधर हिल उल के ये जो है वायर टूटे ना, और उसके बाद हम इसको जो है बैटरी मतलब जो है एक बॉक्स के अंदर भी फिट करेंगे। तो चलो फटाफट से पहले इनको एक दूसरे के साथ जो है ग्लू गन से और डबल साइडेड टेप से एकदम से अच्छे से चिपका लेते हैं। 20 मिनट्स लेटर। तो फाइनली गाइस मैंने कुछ इस टाइप से गाइस जो ग्लू गन से सभी चीजों को एक दूसरे के साथ अच्छे से जोड़ दिया और बिल्कुल छोटा सा साइज बना दिया, ताकि गाइस एकदम ये कॉम्पैक्ट बन सके। ऊपर में यहाँ पे मैंने ओएलईडी चिपका दी, नीचे में बैटरी और यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल चिपका दी, ताकि ये बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट बन सके ना। और यहाँ पे स्विच के दोनों वायर हटा दिए, क्योंकि अभी इनको हम जो है बॉडी के अंदर फिट करने वाले हैं। तो वो बॉडी किससे बनाने वाली है और कैसे बनाने वाले सब आपको बताने वाला हूं वीडियो में, आपको सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। उससे मेरा क्या फायदा? तो ये रही गई एक्रिलिक शीट, तो इसका यूज करके मैं बॉडी बनाने वाला हूं नहीं मतलब मैंने बना ही लिए गई, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। तो कुछ इसी टाइप से आपको अभी बॉडी बना लेनी है। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं, आप ये जो बॉडी है या पीवीसी से भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरे को जो है ये ज्यादा अच्छी लगी एक्रिलिक शीट, तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक शीट से ही बना लिया। तो यहाँ पे तीन जो होल है वो स्विच के लिए, नीचे में एक स्लॉट है और यहाँ पे भी एक स्लॉट है, ये किस लिए है आपको पता ही चल गया होगा। और साइड में एक जो स्विच लगाने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए, वो वाला स्विच लगाने के लिए होल कर दिया। तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि ये स्लॉट मैंने क्यों किया, अगर आपको नहीं पता। तो ये मैंने किए यहाँ पे जो है इन बैंड्स को या फिर स्ट्रैप आई थिंक इनको बोलते हैं, ये लगाने के लिए मैंने किए हैं। इनको हम कुछ इस टाइप से जो है ऐसे लगा देंगे, ये जो स्विच वाली साइड है इसमें ये वाला, ठीक है, कुछ इस टाइप से लग जाएगा, और दूसरी साइड में जो है ये कुछ इस टाइप से लग जाएगा। ये आपको जो है ना पुरानी खराब घड़ी के अंदर से निकालेंगे, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके कोई भी पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं होने वाला। तो कुछ इस टाइप से ये लग जाएंगे, और अभी इनको सुपर ग्लू से और जो है ग्लू गन से अच्छे से भर के एकदम मस्त बना देंगे। तो चलो फिर फटाफट से कर लेते हैं, इसको चिपका लेते हैं मतलब। तो गाइस यहाँ पे मैंने बैंड भी लगा दिया कुछ इस टाइप से, एंड अच्छे से ग्लू गन डाल के मजबूती से एकदम फिट कर दिए, साइड में स्विच भी लगा दी और उसके कनेक्शन भी कर दिए। और अभी जो है इस जो है हम हमारे सारे सिस्टम को इसके अंदर फिट कर देंगे, और इस जो है स्विचेस को हम जो है मतलब ये माइक्रो स्विचेस को साइड में जो है यहाँ पे मैंने जो होल करे हैं इसके अंदर फिट करके जो है ग्लू गन से अच्छे से फिट कर देंगे। तो चलो फटाफट से ये जो बाकी जो बचा बुचा काम है ये फटाफट से कंप्लीट करते हैं, और फिर देखते हैं गाइस आगे क्या करना है।
तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारी वाईफाई हैक करने वाली वॉच बन के रेडी हो चुकी है। एंड देख सकते हो कुछ जिस टाइप का इसका लुक आ रहा है। आप चाहे तो इसकी बॉडी पीवीसी से भी बना सकते हो, बट गाइस ये जो एक्रिलिक शीट से जो मैंने बॉडी बनाई है देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रही है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना जो है हमारी वॉच किस तरीके से इसका लुक देखने में आ रहा है। तो आप इसको ऐसे कुछ इस टाइप से पहन भी सकते हो। पहले गाइस इसको जो है हम फ्लैश कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पे एक केबल चाहिए, जो कि मतलब जो है देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो यूएसबी वाली केबल है। तो ये आप अपने कोई भी पुराने चार्जर की निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से गाइस इसको जो है पीसी के अंदर लगाते हैं और फटाफट से इसको फ्लैश कर लेते हैं। तो पहले गाइस आपको ये जो फाइल्स है कुछ, ये आपको दो फाइल्स है यहाँ पे, एक ये बिन वाली और दूसरी फ्लैश मास्टर वाली, ठीक है। तो इन दोनों को जो है डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले आपको कहना है ये जो नोड एमसीयू फ्लैश है जो मास्टर वाली जो फाइल है इसको आपको ओपन कर लेनी है, ठीक है। ओपन करने के बाद फिर से ओपन करना है एंड फिर आपको जाना है यहाँ पे विंडो 64, मतलब मेरी जो विंडो है वो 64 बिट की है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, फिर रिलीज पे जाऊंगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो एक्सट्रैक्ट कर लेते फटाफट से, हो जाएगा, खुल जाएगा। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे विंडो 64 बिट पे जाऊंगा, रिलीज पे जाऊंगा और यहाँ पे जो ESP8266 जो है फ्लैशर जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही तो कुछ इस टाइप का ये जो है इंटरफेस आपके सामने, मतलब इस टाइप की एक स्क्रीन खुलेगी। और जैसे कि आपको यहाँ पे पोर्ट मिले तो आपको फटाफट से इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्फ़िग वाले जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है और ये जो गाइस सेटिंग वाला जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करके, ये बिन वाली फाइल है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका भी डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल ही दिया था। तो अभी इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशन में जाएंगे और इसको फ्लैश कर देंगे। तो इसको मैंने ऑलरेडी फ्लैश कर रखा है तो इसको मैं जो है स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारी वाईफाई हैक करने वाली वॉच बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी बारी है इसकी टेस्टिंग की और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। और इसको मैं अपने वाईफाई पे ट्राई करने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, ठीक। मतलब आपको मैं आपको सिखाना था चाहता था कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको बनाते हो तो आप इसका गलत इस्तेमाल करो, मतलब किसी का भी वाईफाई बंद कर दो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप इसका फिर भी जो है यूज करना चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड लोगों का, अपने घर का वाईफाई जो है इससे बंद बंद करके चालू वालू करके मजे ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि किसी का भी बंद कर दो, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे मेरे घर का जो वाईफाई है वो 5G वाला है, जैसा कि देख सकते हो ये कनेक्टेड भी है मेरे फोन से। तो अभी जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो है कैमरे के अंदर ब्लिंक भी कर रही होगी, तो उसके लिए गाइस जो है मैं क्या कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा फोन या कैमरा ही ऐसा, भाई साहब मैं ये क्या करूं। तो ये अभी जो है स्कैन पे है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे स्कैन वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, स्कैन AP+ जो है ST, मतलब ST का मतलब स्टेशन। फटाफट से यहाँ पे मैं दोनों को स्कैन कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो है स्कैन करने लग चुके हैं, ये सारे जो आपको बताएगा कि कितने वाईफाई आपके घर के आसपास लग रखे हैं। तो फाइनली इसने स्कैन कर लिए हैं। तो अब तो इसने जो वाईफाई जो है स्कैन किए थे वो यहाँ पे हमें जो है सिलेक्ट करना है अभी उसने, क्योंकि जो है स्कैन तो कर लिया, अभी हमें सिलेक्ट करना है कौन सा वाईफाई हमें बंद करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट के वाले बटन के ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ पे एप्स के ऊपर जाऊंगा, मतलब एप्स के ऊपर इसके ऊपर फिर से क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, मैंने आपको जो बोला था मेरे घर का जो वाईफाई है वो 5G वाला है, तो ये इस वॉच के ऊपर भी शो कर रहा है ना गाइस, काफी कमाल की खतरनाक चीज, ठीक है। तो इसका आपको जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब मिस यूज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अपने घर का वाईफाई इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं जाऊंगा गाइस बैक। बैक जाने के बाद फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे गाइस जो फिर से यहाँ पे मैं बैक जाने के बाद फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा हमें अटैक करना है। मैंने आपको बोला था इसके अंदर अलग अलग अटैक्स हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक ही अटैक इसके अंदर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता भाई साहब ये वीडियो YouTube रिमूव कर दे, तो एक ही अटैक दिखाने वाला हूँ। तो चलो फिर अटैक वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ चुका है DOS अटैक, बीकॉन अटैक, प्रोब, ठीक है। तो ये कुछ अटैक्स हैं, तो यहाँ पे मैं DOS के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा, तो अभी मैं आपको इसको मोबाइल को ऑन करके दिखाता हूँ। भाई साहब ये वाईफाई कनेक्टेड ही है, तो यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं जो है DOS वाला जो है अटैक सिलेक्ट करूंगा, फिर जाऊंगा नीचे और जैसे स्टार्ट करूंगा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, आपके सामने लाइव प्रूफ, देखो यहाँ पे अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नो इंटरनेट। भाई साहब देखो डिस्कनेक्ट हो चुका है, अभी यहाँ पे देखो अभी ये मतलब पूरा ही हट चुका है। मैं स्कैन करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे इसको जो है अटैच करने की कोशिश करूंगा, ये नहीं होगा भाई साहब, जितना मर्जी जोर लगा लो
जब तक मैं यहाँ से जो है ये अटैक ऑफ नहीं करूँगा तब तक ये वाईफाई बंद ही रहेगा। देखो यहाँ पे ये नहीं होने वाला भाई साहब, कनेक्टेड इसके साथ जो मर्जी कर लो। अब जैसे यहाँ पे मैं इस अटैक को स्टॉप करूँगा तो स्टॉप हो चुका है। अब देखो भाई साहब मैं इसको जैसे कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्टेड हो चुका है, कनेक्टेड दिखा रहा है, कोई भी कट नहीं लगाया वीडियो के अंदर मैंने जो है। तो अभी गाइस मैंने आपको इसको चला के तो दिखा दिया और दिखा दिया किस तरीके से गाइस हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से काम करता है वो दिखा दिया। बट गाइस अभी मैंने आपको इसको चार्ज करके नहीं दिखाया और ये चार्ज भी होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बट फिर भी मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही लगाया तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने के कारण बाहर से पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे कि ये लाल लाइट जल रही है, मतलब ये चार्ज हो रहा है। जैसे ये जो है ब्लू या फिर ग्रीन होगी तो मतलब फुल चार्ज हो चुकी है हमारी ये वाईफाई हैक करने वाली वॉच। तो इस तरीके से हम इसको जो है चार्ज कर सकते हैं। तो है ना कि इस काफी कमाल की वॉच, काफी तगड़ी वॉच। तो अगर आप इसको बनाते हो तो आपको इसको आप मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना, आप खुद का वाईफाई अपने फ्रेंड लोगों का वाईफाई बंद कर सकते हो, बट गई से किसी और पर्सन का आपको वाईफाई बंद नहीं करना, ठीक है। तो चलो मिलते जल्द आपको नई वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब वीडियो बनाने में। तो चलो मिलते जल्द आपको नई वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।